हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव यूट्यूब चैनल पे। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा जो फोकस करेगा वो उस चीज़ पे करेगा कि पीजिए क्या, छिपाएं क्या, करें क्या, खाएं क्या, भूलिए क्या, ठीक है, जाइए क्या और बोलिए क्या और लाएं क्या, ठीक है। तो जो आज का वीडियो है कुछ ज़्यादा वैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस कुछ शब्दों में से आपको कुछ ऐसे शब्द जो आपको रोज करते हैं, जो रोज नहीं करते हैं उनके लिए है, कुछ ऐसे शब्द हैं मैं आपको उनको बताना चाहूँगा, ठीक है। अगर आप पीजिए, जैसे कुछ पीते हम, तो क्या करना है, दूध खड़ा होकर दबा पानी बैठ कर। दूध जब भी पिए तो खड़े होकर पिए और दवा पानी बैठ कर पिए। अब हम छिपाएं क्या, उम्र और कमाई, उम्र और कमाई चाहे पूछे सगा भाई, ये चीज़ हमें छिपानी है, ठीक है। और करें क्या, क्या करिए, आय का मान, जो आए उसका मान करो और जो जाए उसका सम्मान करो, यानी आय का मान और जाति का सम्मान करो। अब खाइए, खाने का क्या है, देखो जो खाना है लोग सोचते हैं अरे मैं ये खाना वो खाना है, खाइए दाल रोटी चटनी चाहे कितनी भी हो कमाई, खाइए दाल रोटी चटनी चाहे कितनी भी हो कमाई। अब लोग बोलेंगे अबे हट तू तो पागल है, तू वीडियो बना रहा है कि दाल रोटी पानी खाएंगे क्या, हमने इसीलिए पैसे कमाए हैं। बट एक तथ्य है, एक बात है कि खाइए दाल रोटी, ठीक है, और चटनी चाहे कितनी भी हो कमाई। अब भूलिए क्या, क्या भूलना है क्या नहीं, अपनी बढ़ाई को भूलिए, अपनी बढ़ाई को और दूसरों की बुराई को। लोग आपकी बढ़ाई करें उनको भूलिए और दूसरे की बुराई को भूलिए, ठीक है। और जाइए क्या, दुख में सबसे पहले और सुख में पीछे से जाओ। किसी का दुख है तो सबसे पहले जाओ और किसी का सुख है तो पीछे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट दुख में जरूर शामिल, ठीक है। और बोलिए, बोलने का भी है, जवान संभाल कर, अगर कहीं किसी से बोलना है बात करना है तो जवान संभाल कर बात करो, थोड़ा बहुत पहचान कर, जवान संभाल कर और थोड़ा बहुत पहचान कर, ये है बोलने का अर्थ तथ्य। अब लाएं क्या घर में, लाएं क्या घर में, घर में चीज उतनी काम आए जितनी, घर में चीज उतनी काम आए जितनी लाओ। ये नहीं है हम एक भर के ले आए फिर वो खराब हो रहे हैं और फिर उनको फेंक रहे हो तो वो वेस्ट है ना। आप सोचो कि आप नहीं लाओगे कोई और ले जाएगा, किसी का तो भला होगा। अब वो खराब हो गया ना, तुम्हारा रहा ना उसका रहा ना वो किसी और का रहा, क्या फायदा है, खराब हो गया। अगर एक्स्ट्रा बन रहा है तो हो सकता है किसी को दे दो, किसी के पेट में जाएगा, किसी का भला होगा, किसी का कुछ हो तो होगा, ठीक है। अब एक जो लास्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स है वो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, अमीर वो नहीं होते जिनके घर में खोका और पेटी है, अमीर वो नहीं होते जिनके घर में खोका और पेटी है। तथ्य को सुनिएगा और साथ दीजिएगा और एक बार समझिएगा इसको, अमीर वो नहीं होते जिनके घर में खोका और पेटी है, अमीर तो वो होते हैं, अमीर तो वो होते हैं जिनके घर में हस्ती बहुएं और बेटी। अमीर वो नहीं होते जिनके घर में खोका और पेटी हैं, अमीर तो वो होते हैं जिनके घर में बहू और बेटी, हस्ती जिनके घर में हस्ती बहू और बेटियां हैं, जिसके घर में हस्ती खेलती बहू बेटियां हैं वो है अमीर, वो सबसे ज़्यादा अमीर है। हमारे इस वर्ड्स को एक बार दिमाग से सोचिएगा तब आपको पता लगेगा कि हाँ
लोग दुहार करते हैं, लोग एक दू मैं क्या बताऊं घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसी तथ्य के साथ मैं यहाँ पे इसको विराम देना चाहता हूँ, और इसमें अगर कोई गलत या सही है तो लाइक और कमेंट करें, कमेंट्स में हमें बताएं भाई तुमने ऐसा बोला ये बोला। अगर ये मेरे वर्ड्स आपको लगे कि हाँ सही है तो इसमें लाइक हो जाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अब सब्सक्राइब और कम होते जा रहे हैं, थोड़ा आपका सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, थोड़ा बढ़ाइए। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए दोस्तों, जय हिंद।